उन्नाव गैंग रेप और हत्या केस में सीबीआई जांच करेगी, रिपोर्ट आने के बाद यूपी सरकार का फैसला। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आज दर्ज हो सकती है एफआईआर, गैंगरेप पीड़ित के आरोप के बाद कार्रवाई। उन्नाव गैंगरेप केस में यूपी सरकार को 3 रिपोर्ट मिली, एसआईटी, डीआईजी जेल और डीएम उन्नाव ने जांच रिपोर्ट सौंपी। उन्नाव केस में कार्रवाई तेज, सीएमएस डॉक्टर डीके द्विवेदी और ईएमओ प्रशांत उपाध्याय सस्पेंड किए गए। 3 डॉक्टर्स के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, पीड़ित के पिता के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। उन्नाव केस में सीओ सफीपुर कुंवर बहादुर सिंह सस्पेंड किए गए, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। उन्नाव में गैंगरेप पीड़ित लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, पहले से सुरक्षा की मांग करता है परिवार। बुधवार की रात करीब 1:30 बजे लखनऊ एसएसपी के कैंप ऑफिस पहुंचे आरोपी विधायक, कहा भगौड़ा कहा जा रहा था इसीलिए आया। कैंप ऑफिस में एसएसपी नहीं मिले, बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह ने कहा पुलिस जब बुलाएगी तब आऊंगा, किसी ने सरेंडर करने के लिए नहीं कहा। बीजेपी विधायक ने कहा मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसएसपी कैंप ऑफिस अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे बीजेपी विधायक, ऑफिस के बाहर समर्थकों और मीडिया कर्मियों के बीच झड़प हुई।